दोस्तों नमस्कार, आज मैं फिर से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ जन सुविधा फाउंडेशन के हेड ऑफिस, जहाँ आज फिर से आज एक नए ब्लॉक का इंटरव्यू हो रहा है। दरभंगा जिला के सदर ब्लॉक और केवटी ब्लॉक का आज आपको लाइव इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जन सुविधा फाउंडेशन के हेड ब्रांच के हेड ऑफिस में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आज जन सुविधा फाउंडेशन के हेड ब्रांच में, जहां आप देख पा रहे हैं कि आज इस सारी कैंडिडेट जो आज इंटरव्यू के लिए आई है, जहां पे अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और अब हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट उस चैम्बर में जहां लाइव इंटरव्यू देखने का आपको मौका मिलेगा। मैडम एक गेम अभी तो बच्चा लोग खेलता है ऑनलाइन गेम, कौन सा गेम? मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खूब चलता है, चलन में फ्री फायर। हाँ ठीक है, एक और इसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पबजी है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है, कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे आप मोबाइल से एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं। मोबाइल यूज करते हैं तो एक सोशल मीडिया आती है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चलाते हैं, यूज करते हैं। एक सर्च इंजन का दिल्ली का लाइव झंडा का पास है 15 अगस्त को भी चलते हैं। सृष्टि जी ये बताएं हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी का हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये बताइए कि हमारे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आप अपने नाम का मतलब बताइए सृष्टि जी। सृष्टि आपका नाम क्या अर्थ होता है? सृष्टि का मतलब दुनिया। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा। और हमारी वर्तमान बिहार की शिक्षा मंत्री कौन? हमारे देश राष्ट्रीय विधायक क्या है? और राष्ट्रीय कुल राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बिहार राज्य प्रार्थना क्या है? कानून क्यों जरूरी? देश को कंट्रोल करने के लिए, शासन के लिए, मिलाने के लिए। अगर कानून नहीं रहेगा तो लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। मनमर्जी करने में क्या कठिनाइयाँ हो सकती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अभी भी खेला जाता है माइन में से एक साइन से, अगर हम जहाँ पे वो साइन नहीं करने चाहिए शिक्षा। एजुकेटेड करने से क्या फायदा होगा?
शिक्षा आदमी को भी रहता है जिसको कुछ पता नहीं रहता है। नागरी देवी अशिक्षित थी, निरक्षर थी, फिर मुख्यमंत्री बनी। सर लेकिन वो उसके माइंड से नहीं चल रहा है, जो रियल आप जानेंगे रियल फैक्टर, उसके आगे कुछ उसको सजेशन करने वाले बहुत हैं, या फिर नरेंद्र मोदी को या कोई और, दिमाग तो वो चला रहे हैं लेकिन वो सही है या गलत है उसके पीछे उसके है कोई उसको सजेशन कर रही टीम है जो उसको सजेस्ट कर रही है इसका फैक्ट क्या होगा। अगर आप उससे एजुकेटेड बैठे हुए सर, देखते एक बॉडी गार्ड का इतना वेल एजुकेटेड रहता है। अभी हमारा वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन, हमारे बिहार की सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है और प्रथम महिला राष्ट्रपति हिंदी में एक मुहावरा है अटल गगन छलक जी, इसका सही अर्थ क्या होगा? बिहार का चुनाव जी, बिहार का चुनाव बता सकते बिहार की इंडिया का पूरा पाकिस्तान बंगाल पश्चिम में पाकिस्तान में चीन नेपाल की तरह किस दिशा में उत्तर में नेपाल लग के आती है दुआ बन के तमन्ना ये क्या किसी को नाथ बोलते हैं इसमें खुदा के इसमें इसमें खुदा की शक्ति का बयान होता है उसको हम नाथ बोलते हैं उसकी तारीफ की जाती है। अभी हम नॉर्मली उर्दू लफ्ज़ में नज़्म लिखते हैं तो उसमें कुछ नज़्म इसमें इंसान को भी जिक्र किया गया। मैडम ट्यूशन का स्पेलिंग एजुकेशन का स्पेलिंग आपको पता है हमारे यहाँ वर्क क्या है करना क्या है? हमारे जो फाउंडेशन है जनसुविधा फाउंडेशन है एन जी ओ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जीरो से लेकर क्लास फाइव तक के बच्चों को शिक्षा देते हैं। दोस्तों तो ये था अब लाइव इंटरव्यू जहाँ आज दरभंगा जिला के सदर ब्लॉक और केवटी ब्लॉक का आपने लाइव इंटरव्यू देखा। दोस्तों इस तरह की वीडियो को हम हमेशा आप लोगों के बीच लेकर के आता रहता हूं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जेएस फाउंडेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारा एक एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।